बढ़िया मैं आप मुझे क्या देती, मैं बना देती आपके लिए चाय। नहीं नहीं बस बना ली मैं। वो जो आपसे एक बात करनी थी, हाँ बोलो। बढ़िया मैं आपको पता है ना कि लास्ट टर्म में भी मेरी पढ़ाई का बहुत लॉस हुआ था, और आपको ये बात भी पता है कि मैं अपनी पढ़ाई की वजह से बहुत सीरियस हूँ। मैं नहीं चाहती कि इस टर्म में भी ना मेरी पढ़ाई का लॉस हो और मैं पीछे रह जाऊँ। आप मेरी हेल्प करेंगी? दीदी से बात करके देखें, उनको मना कर देखें प्लीज। बढ़िया मैं देखो एनी, मैं भी यही चाहती हूँ कि तुम्हारी पढ़ाई का खर्च ना, लेकिन तुम अपनी दादी को अच्छी तरह जानती हो, उनके फैसले अटल होते हैं। और ये भी तो देखो ना, वो तुम्हारे ताया के जाने के बाद वो कितनी दुखी और परेशान है। हाँ तकलीफ में है उन्हें, और परेशानी ना तो एक महीने की बात है, थोड़ा सब्र कर लूँ। बड़ी अम्मी उस एक महीने में मेरी पढ़ाई का कितना लॉस हो जाएगा? चाहोगी तो नहीं होगा नुकसान, अपने दोस्तों से तुम नोट्स ले सकती हो, घर पे पढ़ाई कर सकती हो, नहीं होगा नुकसान चंद दिन की बात। लेकिन देखो मेरा मशवरा तो तुम्हें यही है, थोड़ा सब्र से काम लो, 40वें तक की बात है। तुम्हें तो ये शुक्र करना चाहिए कि तुम्हारी दादी ने तुम्हें पढ़ने की, आगे पढ़ने की इजाजत दे दी। अच्छी तरह जानती हो वो तो इस हक में ही नहीं थी, है ना? मैं भी नहीं चाहती कि तुम्हारा हर जो, लेकिन थोड़ा सब्र करने बाद जरूरी है सब्र करना। देखो इस तरह जज्बाती होकर तुम अपना नुकसान करा लोगे, यही गलती तुम्हारी अम्मी भी करती है, और मैं हमेशा उनको समझाती हूँ बेहतर ये है कि चंद दिन की बात, हाँ हर बात कहने की भी नहीं होती, थोड़ा सब्र कर लेना जरूरी होता है। तुम समझ रही हो ना? हम्म, मैं नहीं चाहती कि तुम्हारा कोई भी नुकसान हो, और अगर इस तरह तुम शोर करोगी तो सबको अपने खिलाफ कर लोगी। ठीक।